प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद राम शकल जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, मानते हैं एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा चिकित्सा सुविधाओं में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। निश्चित रूप से जो कदम है सराहनीय है और खास करके उत्तर प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, गरीबों के लिए है, एक प्रकार से बहुत बड़ा ये होगा, शुरुआत होगा। और उत्तर प्रदेश में भी कुल मिलाकर के PGI एक ऐसा था हॉस्पिटल के जहाँ पूरे प्रदेश भर से लोग सीरियस बीमारी, हार्ट है, किडनी है, कैंसर आते थे, लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेजेज अगर हमारे हो जाएंगे तो हर जिले में ये प्रकार सारी सुविधाएं हमको मिलने लगेगी। और इस काम के लिए जितना भी माननीय मोदी जी को बधाई दिया जाए वो कम है और बहुत प्रशंसनीय सराहनीय कदम है। और पूर्वांचल लगभग हम देख रहे हैं कि लगभग हमारा सोनभद्र जिला, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, आसपास से सारे जिले कवर हो रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। तो पूरे पूर्वांचल की ओर से बधाई देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इस प्रकार की जो उनकी सोच है, खास करके गरीबों के लिए जिनका जीवन स्तर अभी भी नीचे है, उनको ऊपर उठाने का जो उनका संकल्प है, गरीबों का इलाज कराने की दृष्टि से जो अपना सौभाग्य ये आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो सरकार के माध्यम से कराया जाएगा, ये निश्चित रूप से इस दर्द को वही समझ सकता है ना कि जो इससे गुजरा हो। तमाम ऐसे गरीब बेचारे जिनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे के अभाव में हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ देते थे, किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है कहाँ से पैसा आएगा, हार्ट का ऑपरेशन करना है कहाँ से पैसा आएगा, कैंसर के लिए मतलब वो सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन जितना भी मोदी जी को बधाई दिया जाए कि ये आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश को उन्होंने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होंगे। सर, पूर्वांचल के वरदान साबित होगा, आप ये कह रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि एम्स जैसा कोई भी एक संस्थान जो है इस सरकार के कार्यकाल में पूरा नहीं किया गया, और जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं चुनावी फायदा के लिए। किया गया पूरे देश में, पटना में, गोरखपुर में, कैसे एम्स जो है कि सरकार ने जहाँ मात्र एक एम्स हुआ था 2500 एम्स, उस समय जब हम थे मुझे याद है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय 4-5 एम्स का आधारशिला रख दिया गया था। सुषमा जी उस समय हमारी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। तो वर्तमान सरकार के काम में और कांग्रेस में बहुत अंतर है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और कांग्रेस तो वास्तव में 50 साल तक इस देश को जिस प्रकार से उन्हें कुछ कहा जाए उनके बारे में वो ठीक नहीं है, लेकिन देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। नारा जरूर देते रहे लेकिन गरीब गरीब रह गया। और बेरोजगारी की बात करते रहे, बेरोजगार अभी भी बहुत लाखों लोग टल रहे हैं। तो मोदी जी की जो सोच है वो रोजगार के बारे में भी कि हुनरमंद लोग होने चाहिए, केवल डिग्री बांटने से काम नहीं चलेगा। तो इसी नाते कौशल विकास योजना एक अलग मंत्रालय बना दिया उन्होंने कि इंटर पास करने के बाद जो जिसकी रुचि है उस हिसाब से उधर कदम बढ़ाए और अपने हाथ से 10 लोगों को काम दे, काम लेने के बाद 10 लोगों को काम बांटे। आखिरी सवाल है सर मेरा, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होने वाला है, और विपक्ष के कई उनके हिसाब से जो और दल के जो नेता हैं उनके संपर्क में और लगातार सबको वो अपने पार्टी में समाहित करेंगे। अखिलेश यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने देखा बहन जी के साथ साथ हाथ नहीं मिलाए होते तो उत्तर प्रदेश में उनकी दुकान बंद हो जाती। और सही बात है कि सपा और बसपा दोनों मिल करके चुनाव लड़े तो कुछ सीटें पा गए, नहीं तो इन लोग जिस प्रकार से जनता को बरगला करके धोखा दे करके और सत्ता सरकार में आने के बाद जो उनका चरित्र है वो पब्लिक ने देखा है। और इस नाते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, हमें लगता है कि इस बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश BJP की बनेगी और हमारा होमवर्क अच्छा है। उनका भी तो बसपा तो कोई पता नहीं चल रहा है, वह कांग्रेस के क्या कहते हैं प्रियंका गांधी जरूर थोड़ा सा हलचल मचाई है, लेकिन बता रहे हैं कि उससे बहुत कुछ उनको हासिल होने वाला है। आपका ये कहना है कि अखिलेश से बेहतर प्रियंका करने वाली इस बार? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रियंका के पास जो वोटर उनका था वो आज उनके साथ नहीं है। जो दलित समाज के वोट होता था वो बसपा के साथ चला गया, श्रमण समाज का वोट का BJP के साथ चला गया। और अखिलेश का कुल मिलाकर जैसे है कि मुसलमान है, यादव है, ये सब हैं अभी अखिलेश है। और मेरा मानना है कि सेकेंड में तो सपे रहेगी, हमारा लगता है कि सीटें कुछ बढ़ सकती हैं लेकिन सेकंड में सपा ही रहेगी।
क्योंकि मुसलमानों का वोट एक तरफा उनको जाने वाला है, यादवों का वोट मिलने वाला है और टिकट जिनको देंगे तो हो सकता है पिछली बार से थोड़ा उनका कुछ बेहतर रहे, इतने है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो आज सौगात उत्तर प्रदेश को दिया है, एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।